जनशक्ति विभाग मुर्दाबाद 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 जनशक्ति विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पेयजल के लिए तरस रहे हाटकोट पंचायत के लोगों का विभाग के प्रति गुरुवार को गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने खाली बर्तनों के साथ जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही हाटकोट बाजार में पेयजल आपूर्ति दुरुस्त नहीं हुई तो मुख्य सड़क मार्ग को भी बंद किया जाएगा व विभाग के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना था कि पंचायत हाटकोट में 5 दिन से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हुई है। वार्ड नंबर 1, 4, 3, 7 5-6 वार्डों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक हफ्ते और आज भी हालात ये है। आज सुबह भी मैंने 4 फोन जेई को किए, कोई रिस्पांस वहां से नहीं आया। एक्शन के नोटिस में भी ये मसला लाया है। अब यहाँ की जो जनता है, हम इस मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री और जल शक्ति विभाग के जो मंत्री हैं उनके संज्ञान में ये मामला ले जा रहे हैं। 1108 पे इसकी हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं। ये व्यवस्था विभाग की है। एक्सी ने जब कहा कि मैं स्टाफ वर्की से प्रोवाइड करा रही हूँ, क्या कारण है कि ये पानी नहीं मिल रहा है? आज बच्चे और बूढ़े सारे इतने मजबूर हो गए कि इतनी दूर से उनको पानी लाना पड़ रहा है। तो मेरी मांग है सरकार से कि सरकार इसके ऊपर तुरंत संज्ञान ले, अन्यथा एक जो हमारी हाटकोट पूरे बाजार का है एक बहुत बड़ा आंदोलन हम इसको खड़ा कर देंगे। और इसके लिए जो हमें कोई किससे लेना देना नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है, सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पानी का जो है समुचित व्यवस्था करें। तो मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री से और आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री से भी कि इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लें और ये जो समस्या पानी की खड़ी हुई है इसके ऊपर जो है तुरंत संज्ञान लें, अन्यथा हमारे बुजुर्ग बड़े सारे जितने भी हैं आंदोलन करने के लिए विवश हो गए और इसके लिए सारी इंटायर जिम्मेवारी जो है स्थानीय जो यहाँ। और लोगों ने मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, मीडिया वालों ने कहा कि जी एक्शन बहुत अच्छी आई हुई है। सिक्सिन के सामने हमने मुद्दा रखा, जेई वहां पे थे, स्टाफ इनका वहां था और एसटीओ वहां पे थे, तो इन्होंने कहा कि पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं। और 2-3 दिन के बाद ये सिस्टम ठीक किया कि जहां पहले 1 दिन के बाद पानी आता था अब 2 दिन को छोड़ के यानी 4th दिन पानी आ रहा है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि शहर में बहुत से लोगों ने 10-10 हजार 15-15 हजार के टैंक बना रखे हैं, उन लोगों को भी पानी का बिल वही आता है और जिनको 4th दिन पानी मिल रहा है उनको भी बिल यही आता है। इसके लिए विभाग जिम्मेवार है। हमने बार बार ये मांग उनसे की 3-4 वार्ड नंबर 1, वार्ड 2, 3, 4, 6 यहाँ पानी की बड़ी भारी समस्या जो है खड़ी हो गई है। पिछले दिनों इसी बात को लेकर के यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने हमने यहाँ की जो एक्सिन है वहाँ पे उनको बुलाया था, उनके साथ बैठक की थी रेस्ट हाउस में बैठ करके। वहाँ पर एक्सिन का ये कहना था कि कुनिहार में शहर में पानी की कोई कमी नहीं है, हर रोज जो है 6 लाख गैलन पानी इकट्ठा हो रहा है और शहर की खपत जो है 2 लाख गैलन है। मैं पूछना चाहता हूँ विभाग से कि अगर ये स्थिति है तो 4 लाख गैलन पानी कहाँ जा रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुनिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।